दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडियन पोस्ट GDS का जो रिजल्ट आया है, 6th लिस्ट जारी हुई है, उसे कैसे देखना है। साइट में कुछ चेंजिंग की वजह से रिजल्ट्स को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आइए हम लोग आते हैं सरकारी रिजल्ट्स की वेबसाइट पर। और हम इसमें सरकारी रिजल्ट्स की वेबसाइट पर जाते हैं और रिजल्ट के सेक्शन में हमको दिख जाएगा इंडियन पोस्ट GDS लिस्ट 6 और हम इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद अंदर जाकर हम लोग स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे जहां पर एक लिंक मिलेगा हमें इंडियन पोस्ट GDS 6 रिजल्ट का, और इसे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम आ गए हैं इंडियन पोस्ट की साइट पर। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स का नाम जहां पर वैकेंसी रिलीज हुई है उसका नाम आ गया है। तो हम जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं और डिस्ट्रिक्ट में बस्ती से हूँ तो मैं बस्ती सेलेक्ट करूँगा। और आप देखेंगे कि इस तरह से क्लिक करने पर कॉपी टाइप का कुछ हो जा रहा है और खुल नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ साइड में आना है और यहाँ पे आपको आकर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट सिंपली जहाँ पर दिख रही है जो भी लिस्ट आपको देखना है उस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी लिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगी। फिर मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो दिख जाएंगे आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ऋषभ पंत जी को सरकारी नौकरी मिल गई और उर्वशी रौतेला जी मुँह देखती रह गई। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।